इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम। महानुभाव कहते हैं यदि इंसान प्रातः काल में प्रार्थना करता है, सदविचार सुनता है, सत्कार्य करता है, तो यह उसके लिए दिन भर का टॉनिक हो जाया करता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि सोने के लिए भी उनको गोली का सहारा लेना पड़ता है और उठने के बाद भी उनको गोली का सहारा लेना पड़ता है। यह स्थिति हमारी ना बने, इसलिए इंसान को चाहिए कि प्रातःकाल जब उठे तो उठने के बाद में प्रार्थना रूपी गोली का, सत्संग रूपी गोली का, सद्विचार रूपी गोली का सहारा लेने का प्रयास करें। क्योंकि हो सकता है प्रातःकाल जो आप प्रार्थना करो तो मध्यान्ह काल में जब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति बने कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आप उलझन में आ रहे हो, आप तकलीफ में आ रहे हो, तो आपको वह विचार याद आ जाए तो आपको लगे कि मुझे रुक जाना चाहिए। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि इंसान को दो समय में कोई भी नियम नहीं लेना चाहिए, दो समय में कोई भी संकल्प नहीं करना चाहिए, दो चीजों में भावाबीस में नहीं आना चाहिए। कौन सी दो चीजें हैं? दो चीजों में कभी भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कौन सी दो चीजें हैं? तो कहते हैं पहला है क्रोध और दूसरा है प्रेम। क्या है? पहला है क्रोध और दूसरा है प्रेम। कि अत्यधिक प्रेम में भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बसीभूत होकर आप कुछ भी कर देते हो बाद में आपको पछताना पड़ता है, और क्रोध के अधिभूत होकर भी आप निर्णय ले लेते हो। आप सोचो कि महाराज ये कैसे? कई बार जब बहुत गुस्सा आता ना तो इंसान कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन जब शाम को रोटी खाना पड़ती है तो होता है कि नहीं होता है? अत्यधिक क्रोध आ जाता है, और क्रोध जो है वह प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है, हम भी अछूते नहीं है, अंतर इतना है हमारा आ रहा है तुरंत जा रहा है, और आपका आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा। आने जाने का क्रम चलने दो, ये तो संसार का क्रम है। तो अत्यधिक क्रोध में कोई निर्णय ना करें, और अत्यधिक प्रेम में भी निर्णय करें, क्योंकि जब प्रेम अत्यधिक बढ़ता है ना तो उस समय इंसान भावावेश में व्याकुल हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कई सारे लोग जब हम लोग को उपदेश सुनते हैं, क्रियाओं को देखते हैं, तो कई महिला पुरुष आते हैं, कहते महाराज जी आप यदि 12 साल पहले हमारे नगर में आए होते तो मैं आपके साथ में चल पड़ती। मैं पूछा क्यों? बोले मेरी शादी 11 साल पहले हुई है। तो मैं उनको कहता हूं कोई बात नहीं, अभी 12 साल पहले नहीं आ पाए थे संग तो आप नहीं जुड़े थे, अगले 18 साल बाद कोई संग आएगा तो आप जुड़ जाना। बोले क्यों? मैंने कहा जब तो शादी को 30 साल हो जाएंगे फिर क्या रह जाएगा, जीवन में बच्चे भी आ जाएंगे सबको फिर चल पड़ना। बोले महाराज तब की तब देखेंगे। इंसान प्रेम में लगाव में भूल जाता है कि क्या हित है क्या अहित है। प्रेम ही तो है जो आपको भगवान का भक्त बना देता है। कुछ लोग कहते हैं कि राग से वैराग्य होता है, ऐसा कहते ना, लेकिन मेरी थ्योरी दूसरी है। हम कहते हैं पहले राग से राग होगा फिर वैराग्य होगा। क्या? राग से राग होगा फिर वैराग्य होगा। वह कैसे? कि आपको पहले घर से राग छूटा, मंदिर से राग हुआ, घर का राग छूटा, देव शास्त्र गुरु से राग हुआ, और फिर जाके आप बैरागी और बीत राग के पत्थर पर चले। अंतर इतना है कि घर का जो राग है वह अशुभ राग है,
अप्रशस्त राग है, लेकिन जिन मंदिर का जो राग है वह शुभ राग है और प्रशस्त राग है। लेकिन राग तो दुख का कारण है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। राग को छोड़े बिना, मोह को छोड़े बिना इंसान सृष्टि से पार नहीं हो सकता। आप यदि गुलिस्तान पढ़ते हैं, गुलिस्तान समझते हैं, तो 12वां गुलिस्तान कौन सा है? 11वां उपशांत मोह और 12वां क्षीण मोह। कि क्षीण मोह अर्थात थोड़ा सा मोह कहां तक है? 12वीं गुलिस्तान तक। मुनि महाराज 6वीं 7वीं में चल रहे वर्तमान में। तो राग तो लिप्त है, राग में लिप्त हैं, लेकिन मुनि महाराज को पता है कि किस वस्तु का राग करने से कल्याण हमारा होगा और आपका होगा। आपके प्रति अनुराग तो है ना, जब हम तो प्रवचन देने आ जाते हैं, नहीं तो हमें क्या है, हम तो अपनी किताब पढ़ रहे हैं। आपको आना आइए, नहीं आना बताइए। लेकिन हम सोचते हैं कि यदि हम परमात्मा में लीन लोगों को थोड़ा सा अपने प्रति, जिनवाणी के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति राग उत्पन्न करते हैं, तो कभी ना कभी वह वैराग्य के पथ पर आ सकता है। तो राग से राग है, फिर वैराग्य है, फिर वीतराग है। लेकिन आजकल क्या है, एक भजन गाते हैं ना आप लोग, तुम तो बने वीतरागी, आगे हमको कब बनाओगे, ऐसा करते हैं। एक भजन था, मैं भजन ज्यादा जानता नहीं हूं लेकिन सुनता हूं, कि तुम तो बने वीतरागी हमको कब बनाओगे। एक बार एक व्यक्ति भजन गा रहा था तो कुछ गड़बड़ पकड़ रहा था, तो मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। अब पीछे जाके खड़ा हुआ था तो उसको समझ में नहीं आया कि महाराज जी खड़े हैं। वह गा रहा था, तुम तो बने वीतरागी हमको वीतरागी कब बनाओगे। क्या कह रहा है कि तुम तो वीतरागी बन गए, हमको वीतरागी कब बनाओगे। वित्त समझते हो, धन धन। बोले तुम तो वीतरागी बन गए, हमको वीतरागी कब बनाओगे। मैंने कहा क्या बोल रहे हो। बोले महाराज जी आपके सुनने का काम नहीं है। क्या बोले, आपके सुनने का काम नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात। बोले आप सुन लोगे, जाके कहीं और बोलोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि राग में भी आप कोई बाधा ना करें, क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर इंसान पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, और क्रोध के वशीभूत होकर इंसान पता नहीं क्या क्या बोल जाता है। तो अपने आप को उस समय मध्यस्थ भाव में रहें जब जाकर कोई संकल्प करें। हमारे आचार्य जी तो कहते हैं कि हम भी आपको नियम देते ना, तो उसको कहिए पहले समझो, जानो, फिर नियम लो। ऐसा नहीं कि मैंने बैराग पर प्रवचन दिया, दो चार आदमी खड़े हो गए, बोले महाराज आज की बात में मैं एक टाइम भोजन करूंगा, और घर गए, गर्मी बड़ी, महाराज जी से छूट लेना चाहिए। इसलिए क्या करिए, पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद में संकल्प कीजिए। ऐसा नहीं है कि नियम मत लीजिए, नियम टूट भी जाए तो गुरु होते हैं प्रायश्चित देने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया, स्वयंभू गुरु हो गए। कौन से गुरु हो गए? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब क्या होता है, यदि आपका कोई नियम टूट गया, पड़ोसी क्या बोलता है, मंदिर जाकर क्या करना, एक माला कर लेना। अरे पड़ोसी गुरु हो गया क्या? गुरु क्यों है, जिसने नियम दिया है आपको, नियम टूटने का यदि कुछ कारण हो जाता है तो उन गुरु से ही जाकर आपको पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि हर गुरु की व्यवस्था है, उन्होंने पता नहीं आपको कैसे नियम दिया है। तो क्या बता रहा हूं आपको, क्रोध ये ऐसी चीज है जो प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है और अच्छी तरह से विद्यमान है, और ये क्रोध जो है ना वह कभी भी कहीं पर भी किसी के ऊपर भी प्रकट हो सकता है। आप लोग जब मंदिर आते हो तो ये सोच के आते हो कि मैं क्रोध करूंगा, कोई भी नहीं सोचता होगा। हम संत बने ना तो हमने भी कभी नहीं सोचा था हम क्रोध करेंगे, लेकिन जब मौका आता है ना तो कोई अछूता नहीं रहता है। तो जैसे ही मंदिर में आप आए, और मान के चलो मंदिर में डेली आप फ्रंट सीट में बैठ के पूजा करते हो, मान के चलो, और आपका मंदिर आने का समय डेली 7 बजे का है, और यदि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो, सच्ची दिल से बोलना, जब घंटा बजाते हो उसकी नजर आपकी कहां जाती है? मंदिर में घंटा बजाने के बाद इंसान की नजर कहां जाती है? ये देखो, ये तो महाराज के सामने बोलते हैं, लेकिन कहां जाती है, जहां वह डेली बैठता है। भगवान के पास तो जाती जाती है, लेकिन उसके बाद कहां जाती है, जहां पर उसको बैठने की डेली सीट है। और कदाचित वहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई महिला बैठी है, तो क्या होगा, दर्शन करते समय, परिक्रमा लगाते समय एक दिमाग में रहेगा कि भाई कहां पर है, मेरी सीट पे कैसे बैठ गया, मेरी सीट पे कैसे बैठ गया। और कई ज्यादा इंसान तो क्रोध को काबू नहीं करते, वो सीधा बाहर पांडे के पास पहुंच जाएंगे, पुजारी के पास पहुंच जाएंगे, बोले तुमको पता नहीं है कि मैं पिछले 15 साल से, जब से मंदिर बना है, जब से यहीं बैठ के पूजा करती हूं,
भाई कुबेरी रानी बनी थी पंचनाग में, वो कहता बहन जी सुनिए ना। बोले क्या सुनना है? आज ही योगी जी से कहूंगे कि इनकी छुट्टी कराओ, ये बहुत गटर मस्ती कर रहे हैं। अरे बहन जी सुनिए ना। बोले क्या सुनने को बाकी है? वो तीन चार मिनट बोलती रहेगी, फिर वो कहता मैं बोल लूं। अरे बोलेगा क्या तू, मैं तो सब देख रहा हूं तुझे, तू मेरे साथ ही ऐसा करता है, हर बार ऐसा मेरे साथ में करता है। फिर जब वो थोड़ा शांत होती है, कहते ना जब भड़केगा कितना दूर, 16 कब तक भड़केगा, जब तक फूटेगा नहीं। जब भड़कना समाप्त हो गया तो बोला मैं एक बात बोलूं? बोले बोलिए। अभी समय क्या हुआ है? उसने पूछा। बोले 6:40। बोले डेली मंदिर कब आते हो आप? बोले 7:05। तो बहन जी पिछले 15 सालों से आप वहां बैठकर पूजा कर रहे हो, लेकिन वह महिला पिछले 15 साल से वहां बैठ के पूजा करती है। तो बोले मुझे तो कभी नहीं दिखी। बोले वह 6:50 पर चली जाती है और मैं जो जगह साफ करके आपका स्थान लगा देता हूं, आप 6:50 तक तो शांति रखो मेरी माँ। तो उसको समझ में आया बात तो सही है, अरे कुछ तो समझो कि ये आरक्षित जगह आपके समय से है, बाकी समय में तो कोई आकर बैठेगा। लेकिन इंसान जब क्रोध करता ना तो उसको ये हित अहित का विवेक छूट जाता है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, किस्सा कुर्सी का है, सारा संसार कुर्सी में लगा हुआ है। कई बार जब संगीतकार भक्ति कराता ना तो कई महिला पुरुष भक्ति करने खड़े नहीं होते। मैंने पूछा क्यों नहीं खड़े होते? बोले कुर्सी खत्म हो गई, मेरी कुर्सी चली गई तो खड़े होकर पूजा करना पड़ेगी। आप तो भक्ति करने खड़ा कर दोगे, बाद में मुसीबत हो जाएगी पैदा। तो स्थिति संसार की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी प्रसंग हो, विचार करके ही उसका जवाब दे। तो प्रातः काल में जो सद्विचार होते हैं, जो प्रार्थना होती है, वह आपके दिन भर के टॉनिक का काम करती है। जैसे किसी को समस्या चल रही है तो कहते हैं एक इंजेक्शन यदि लगा लिया तो मान के चलो कि 10-12 घंटे को रिलीफ हो जाता है। उसी प्रकार से सत्संग, स्वाध्याय, पूजन, भगवान का अभिषेक आपके दिन भर का टॉनिक है। और मैं तो अक्सर आप सभी से कहता हूं कि आप यदि मंदिर में 1 घंटे व्यतीत कर रहे हो, 2 घंटे व्यतीत कर रहे हो, तो घर लौटकर जब जाओ तो कम से कम 2 घंटे शांति का वातावरण बनाओ, जिससे आपके घर के लोग कहेंगे कि बहुत सुंदर व्यक्ति है, मंदिर में गया, पूजन करके आया। लेकिन आप जैसे ही घर पहुंचे और मान लो चाय नहीं मिली और चिल्लाना चालू कर दिया कि जो है चाय बना के नहीं रखते हो, तो बोलेगा क्या मंदिर होकर आए हो। प्रसंग करिए, प्रसंग अनुसार कार्य कीजिए। कोई बात नहीं, चाय नहीं है तो आप सोचो अच्छा है आज चाय का त्याग हो गया। लेकिन महाराज ये तो बात आप बोल सकते हो, हमको पता है हमारे साथ क्या होता है। आप यहां पर बैठे हो, कई लोग 7 बजे वापिस चले जाते थे, लेकिन महाराज जी आज जब से 11 बजे तक यहां रहते हैं। आप सच्चे दिल से कहना कि जब तक आप आहार नहीं देते हो, जब तक आपको भूख प्यास की वेदना होती है क्या बताना? महाराज को आहार देते मन में आता है कि यार महाराज जल्दी आहार ले लें फिर मैं खाने बैठ जाऊं, आता है? नहीं आता। और यदि आप आहार नहीं दे रहे होते, घर चले जाते तो 1-2 बार पानी, 1-2 बार नाश्ता, कुछ कुछ तो चलते फिरते हो जाता। क्यों? क्योंकि आप जब गुरु सत्संग में रहते हो तो यहां का वातावरण ऐसा होता है कि आपको भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं लगती। यहां पर आप भक्ति के रंग में डूब जाते हो, और जो प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, जिनवाणी की भक्ति में डूबता है उसको कुछ भी सुध नहीं रहती। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कल लगभग 12:30 बज रही थी, लेकिन मैं देख रहा था कि आहार देने वालों के मन में सिकन नहीं थी। और यदि आहार नहीं दे रहे होते तो कहते प्रधान जी सिकंजी तो रख दो कम से कम। जो आहार नहीं दे रहा है उसको विकल्प है, और जो आहार दे रहा है उसको विकल्प नहीं है, क्योंकि उसका संकल्प है कि मुझे आहार देना है। तो संकल्प है तो कोई विकल्प नहीं है, और संकल्प नहीं है तो हर क्षण क्षण पे विकल्प है। हमें कोई विकल्प नहीं है महाराज, है रास्ते में चलते गर्मी पड़ती है, कितना भी गर्म पैर जल रहा हो, कितना भी पैर गर्म हो रहा हो, रास्ते की धूप हो, कड़क हो, लेकिन महाराज को पैर में कोई बाधा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका संकल्प है कि नगन पैर ही चलना है। आपके पास विकल्प है सो आपके मन में उलझन होती है। तो जब तक विकल्प है जब तक संकल्प नहीं है, और जहां पर संकल्प है वहां पर कोई विकल्प है ही नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनका आलू प्याज रात्रि भोजन आदि आदि का त्याग है, तो होटल में कितने सुंदर तरीके से आलू के पराठे बन जाएं, किसी की पार्टी में बन जाएं, घर में भी बन जाएं, और कई लोग का त्याग है लेकिन बनाना भी पड़ता है घर वालों के लिए, तो क्या खाने के भाव होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प कर लिया है कि हमारा काय का त्याग है, पक्का त्याग है,
तो महाराज जी आप बोल रहे हो त्याग, इसलिए हम त्याग बोल रहे हैं, हमारा नहीं है। तो क्या है कि हमारा संकल्प है कि हमारा आलू का त्याग है, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। तो संकल्प जो है वह विकल्प से बड़ा है। क्या है? संकल्प जो है वह विकल्प से बड़ा होता है। इसलिए जीवन में संकल्प को रखिए, विकल्प अपने आप नाश हो जाएगा, विकल्प अपने आप नष्ट हो जाएगा। और जो विकल्प को छोड़ देगा, संकल्प को धारण करेगा, वह कभी ना कभी प्रभु महावीर बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। पुरुर्वाभील, सुना ना पुरुर्वाभील की कहानी? सुनते हो क्या त्याग किया था उसने? मांस का नहीं, मात्र कौए के मांस का, कौए के मांस का त्याग किया था। और उसने कौए के मांस का त्याग क्यों किया था? कहानी सुनी ना आपने, पढ़ी होगी, नाटिका हुई होगी, हुई कि नहीं मंदिर में नाटिका कभी? पुरुर्वाभील की कहानी सुनी होगी आपने। उसने मांस का त्याग किया था, कौए के मांस का। क्यों त्याग किया था? क्योंकि कौए का मांस खाता नहीं था। सुन लीजिए आप, त्याग इसलिए किया था कि वह खाता नहीं था, लेकिन कोई बीमारी हुई और उसे कहा गया कि तुम्हें मांस खाना है तो कौए का मांस खाना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा? मैंने तो मुनि से संकल्प लिया है, चाहे मेरे प्राण जाएं, चाहे मेरे प्राण जाएं, चाहे मेरा जीवन जाए, मैं मांस का सेवन, कौए के मांस का नहीं, कौए के मांस का सेवन नहीं करूंगा। आप विचार करिए कि कौए के मांस के त्याग के बाद वह जीव भव्य बन सकता है, तो आप तो निश्चित रूप से बहुत सारा त्याग करके भव्य क्यों नहीं बन सकते? अंतर से इतना है कि आप अपने अंदर के भवितव्य को नहीं जगा पा रहे, आप अंदर के छुपे हुए परमात्मा को प्रकट नहीं करा पा रहे। और जो व्यक्ति अपने अंदर छुपे परमात्मा को प्रकट कर लेता है, उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएं, सारे विकल्प समाप्त हो जाएं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जहां परमात्मा है वहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है, बल्कि वहां तो निर्विकल्प है। तो विकल्प को छोड़िए, संकल्प को धारण कीजिए और जीवन में निर्विकल्प होने का प्रयास कीजिए। यही जीवन का सार जीवली आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार गुरुग्राम,